अक्सर अजनबियों को शराब पिलाते हो या आज कोई खास बात है? खास बात है, मेरा नाम अभी हुआ का ऐसा काम जिसमें तेरे को बहुत इंटरेस्ट होगा। हैं? ऐसा क्या करते हो? मेरी कहानी बात के लिए छोड़, तू अपनी बता। यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता भाई। लाइफ में ना आदमी को ना दो प्रॉब्लम होती है, जॉब और गर्लफ्रेंड। एक आइडियल सिचुएशन में या तो आदमी काम कर सकता है या गर्लफ्रेंड में आ सकता है, लेकिन आदमी को चुल होती है कि उसको दोनों कर ले। जॉब पे ज़्यादा टाइम दिया तो गर्लफ्रेंड जान खा जाएगी, हाँ, और गर्लफ्रेंड पे ज़्यादा टाइम दिया तो बॉस खून चूस ले। अभी भाई दोनों केस में लगती हमारी ही है। और आयरनी की बात यह है कि अगर गर्लफ्रेंड को छोड़ दोगे तो काम में मज़ा नहीं आता, और काम छोड़ दोगे तो गर्लफ्रेंड तो वैसे ही छूट जाएगी। करेक्ट, एकदम करेक्ट। पर ये बता, तेरी प्रॉब्लम क्या है? भाई मेरी लाइफ की तीसरी प्रॉब्लम देख क्या है, मुझे म्यूजिक के कीड़े ने जोर से काटा। एक गर्लफ्रेंड बनी तो जॉब चाहिए था, इसलिए कॉर्पोरेट जॉब ले ली। लेकिन मेरा जो म्यूजिक का कीड़ा है ना, वो मेरे कॉर्पोरेट जॉब का फिनाइल पी के नहीं मरता, इसलिए कहीं पे भी छुप छुप के गा लेता। छुप छुपा के क्यों? मेरे जिया था ना गर्लफ्रेंड, वो मेरे म्यूजिक के पैशन को अपनी सौतन मानती। वो कहती है जिंदगी भर यही बजाते रहोगे तो खिलाओगे क्या, इसलिए अपनी दिल की बड़ास में इस बार में गला फाड़ के निकाल लेता हूँ। अच्छा है, अभी भाई तुम ये बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? सच बताऊँ? देख, एक लड़की है। बस 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 बस, मैं समझ गया भाई, समझ गया। अब कुछ आगे बोलने की जरूरत नहीं है। देख भाई, हम सब बेचारे लड़कों की ना यही कहानी है, लड़की। इनके बिना जिंदगी में मजा नहीं, और इनके साथ जीना इससे बड़ी कोई सजा नहीं। देख भाई, भगवान ने पहले एडम बनाया, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन भगवान भी बोर हो रहे हैं एडम की तरह, क्योंकि कहानी बिना फसाद के आगे बढ़ती नहीं है ना, इसलिए उन्होंने ईव को बनाया। और हो गया फसाद एडम की जिंदगी में। ड्रिंक बोर्ड लेके आना। बस भाई, अरे की बस भाई, इतनी भाई एक एक लेना पड़ेगा, भाई नहीं है तू मेरा भाई। अबे भाई, मुझे इतनी चढ़ गई है जैसे चिपकली दीवार पे चढ़ गया। ले भाई लाज। ये ले आ जा।
भाई वो तुम क्या कह रहे थे, वो लड़की है फिर क्या हुआ? भाई, 8 साल पहले मेरी शादी हुई। ओ तब तो तुम टोटल बर्बाद हो गए भाई, अब कुछ बचा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। शादी के कुछ ही महीनों में डिवोर्स हो गया। और कहानी का कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जिस लड़की से मैंने 8 साल पहले प्यार किया, उसी लड़की से मेरी शादी हुई और उसी लड़की से कुछ ही महीनों में डिवोर्स हो गया। और फिर वही लड़की कुछ टाइम बाद, 8 साल बाद मुझसे आके फिर टकरा गई और मेरी जिंदगी में फिर आ गई और मुझे दोबारा उससे प्यार हो गया। हैं? और अब की बार तो पहले से भी ज्यादा वाला। भाई इलाज करा अपना, नॉर्मल इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। 6 महीने का बच्चा भी अगर किसी गर्म चीज को छू ले तो वो दोबारा नहीं छूता। तू तो फिर भी अडल्ट है, तुझ में सुसाइडल टेंडेंसी है। नहीं मैं सीरियसली बता रहा हूं, तो अब अब साला उसको मेरे प्यारी नहीं है। 8 साल पहले इमेच्योरिटी में साथ रह नहीं पाए और अब उसको साथ रहना नहीं है। लड़कियों को वैसे भी किसी से प्यार नहीं होता, वो तो गधे ढूंढती है सवारी करने के लिए। तू गधा बनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए तुझे छोड़ दिया। तू अपनी गर्लफ्रेंड का गधा है क्या? मैं गधा? घोड़ा कुत्ता सब। हाँ और कभी कभी अनिजोना भी हो जाता है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम गधा। भाई मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बहुत समझाया सुनती नहीं। भाई तू उसे समझा रहा था, तू एक लड़की को समझा रहा था। देख भाई तूने ना गौर नहीं किया, लड़कों का जो वॉशरूम है ना वो लेफ्ट साइड होता है। अरे बिकॉज गर्ल्स आर ऑलवेज राइट। करेक्ट। मुझे ऐसे लगता है तुझ में ईगो, मतलब तू गधा नहीं है इसलिए तेरी शादी टूट गई। तू गधा बन, जब भी वो तेरे सामने आए ना तू अपने आप को गधा इमेजिन कर, टोटल सबमिशन, लेट हर यूज यू, फिर दे सब सेट हो जाएगा। लेकिन भाई मैं तो गधा बनने के लिए तैयार हूँ। तू बनेगा ना फिर तो वो तुझे कहीं छोड़कर नहीं जाएगी। चल भाई मेरा हो गया, मुझ गधे को सुबह सुबह अपनी गर्लफ्रेंड को कॉलेज ड्रॉप करना जाना है, ऑन ड्यूटी। चल भाई मिलते हैं। मैं तुझे छोड़ देता हूँ ना। दोस्ती की नई शुरुआत है ये। और भाई।